सुबह नीलेश गांव के हर घर में जाकर चंदा जमा करने लगा, मगर सब ने उसे अपमानित करके अपने घरों से भगा दिया। गांव का ही एक आदमी नीलेश का मजाक उड़ाते हुए बोला, पागल हो गए हो क्या? अरे कोई काम धंधा करो, ये अचानक तुम्हारे अंदर गरीबों के प्रति इतना प्रेम कैसे जागृत हो गया? उसके लिए तो देश के नेता ही काफी है। ये कैसी बात कर रहे हो तुम? मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ गांव की भलाई के लिए कर रहा हूँ। हमारे गांव का नाम मेहनतपुर है। हमारे गांव के वासी दिन भर मेहनत में जुटे रहते हैं और उन्हें ढंग का एक वक्त का भोजन भी नहीं मिल पाता। तुम मेरा साथ देने की बजाय मुझे उल्टा अपमानित कर रहे हो। हाँ, क्योंकि तुम दिन में मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हो। मेरे भाई, ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है, मगर वास्तविकता इससे बहुत अलग है। और मुझे एक बार बताओ नीलेश, एक बार को मान लिया जाए कि तुम अपने मकसद में सफल भी हो गए, तो एक रुपए की थाली कब तक तुम गरीब लोगों को खिला पाओगे? ये पूरी तरह से असंभव है। इतना कहकर वो नीलेश का मजाक उड़ाता हुआ सखाराम के भोजनालय में जाकर बोला, सुनो सखाराम जी, नीलेश अपने गांव में एक भोजनालय बनाना चाहता है। आप जो थाली 700 रुपए में बेचते हैं, वो थाली वो 1 रुपए में बेचने की सोच रहा है। लगता है उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अब उस बेवकूफ को कौन समझाए? तभी सखाराम का नौकर कुंदन सखाराम के पास आकर धीरे से बोला, सखाराम जी, हमें इसकी बातों को मजाक में नहीं लेना चाहिए। और क्या कहना चाहता है तू? अगर नीलेश अपने मकसद में सफल हो गया तो कभी आपने सोचा है आपके भोजनालय का क्या होगा? कुत्ते लौटेंगे, कुत्ते। अरे काली जुबान, कभी तो अच्छा बोल दिया कर। तेरे मुंह से जब भी निकला है हमेशा उल्टा सीधा ही निकला है। चिंता मत कर, इस गांव का मुखिया मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो नीलेश को अच्छी तरह से समझा देगा। सखाराम गांव के मुखिया के पास गया। मुखिया, हमारी मित्रता की चर्चा दूर दूर तक प्रसिद्ध है। मत भूलना, जो थाली मैं 700 रुपए में बेचता हूँ वही थाली मैं तुम्हें 600 में खाने के लिए देता हूँ, यानी पूरे 100 का डिस्काउंट। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे मेरे ऊपर बहुत बड़ा कोई उपकार करते हो। मैंने तो तुमसे कभी नहीं कहा कि तुम मुझे 100 रुपए का डिस्काउंट दो। और वैसे भी मैं तुम्हारे भोजनालय में महीने में एक आध बार ही तो भोजन करता हूँ, और मुश्किल से अब तक तुम्हारे भोजनालय में 4 या 5 बार ही भोजन किया है। इस हिसाब से तुम्हारे 500 रुपए मेरे ऊपर बकाया है। लगता है मुखिया तुम मेरी बात का बुरा मान गए। तुम अच्छी तरह से जानते हो सखाराम कि मुझे चापलूसों से सख्त नफरत है। मुद्दे की बात करो, किस काम के लिए यहाँ पर आए हो? कुछ दिन पहले नीलेश मेरे भोजनालय में भोजन करने आया था। अब आप ही बताओ मुखिया जी, 700 रुपए के बदले वो सिर्फ 100 रुपए दे रहा था, इसलिए मैंने उससे 2 दिन तक अपने भोजनालय की झूठी प्लेटें क्या साफ करवा दी। वो तो बुरी तरह से क्रोधित हो गया। हाँ, मैंने सुना है कि तुमने उसे पीटा भी था। हाँ, क्रोध में 1-2 थप्पड़ तो मार ही दिए थे, लेकिन इतना भी नहीं पीटा था कि वो इतना नाराज हो जाए। कहना क्या चाहते हो सखाराम, खुलकर बात करो। वो इस गांव में एक भोजनालय बनाने की तैयारी कर रहा है, और जो थाली मैं 700 रुपए में देता हूँ वही थाली वो 1 रुपए में ग्राहकों को बेचेगा। अगर ऐसा हो गया ना तो मेरा तो भोजनालय बंद हो जाएगा, मैं सड़क पर आ जाऊंगा। सखाराम की बात सुनकर मुखिया हंसने लगा। सखाराम, लगता है नीलेश की तो बुद्धि भ्रष्ट हो ही गई है, लेकिन मुझे लगता है साथ में तुम्हारी भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। ऐसा संभव नहीं है। सोच लो मुखिया, अगर वो अपने मकसद में कामयाब हो गया ना तो उसके नाम के चर्चे दूर दूर तक फैल जाएंगे। लोग इस गांव के मुखिया से ज्यादा सम्मान उसका करेंगे, और फिर कोई बड़ी बात नहीं है कि कुछ सालों बाद उसकी दयालुता को देखकर गांव के वासी उसे ही मुखिया बना दे। जरूर वो कुछ बड़ा करने की सोच रहा है। सखाराम की बात सुनकर मुखिया सोच में पड़ गया। बात तो तुमने मेरे पते की है, अब मैं किसी को गांव में भोजनालय बनाने से तो नहीं रोक सकता। हाँ, इतना जरूर कर सकता हूँ कि वो आजकल मेरी ही भट्टी पर दिहाड़ी पर काम कर रहा है, तो मैं उसे धक्के देकर बाहर निकाल दूंगा। उसके बाद वो सिर्फ अपना पेट भरने की सोचेगा, ना कि गांव के गरीब भिखारियों का पेट भरने की। सखाराम वहाँ से चला गया।
मुखिया ने उसी दिन नीलेश को काम से निकाल दिया। लेकिन मेरी गलती क्या है मुखिया जी? तेरी गलती ये है कि तू गांव में भोजनालय बनाना चाहता है। हाँ तो इसमें गलत क्या है? अगर मैं गरीब का भला चाहता हूँ तो आपको तो प्रसन्न होना चाहिए। तू गरीबों का कोई भला नहीं चाहता नीलेश, मैं अच्छी तरह से जान गया हूँ कि तू सिर्फ अपना नाम करना चाहता है और मुझे मेरे पद से हटाकर खुद गांव का मुखिया बनना चाहता है। अरे पहले अपना और अपनी पत्नी का ही पेट भर ले, बाद में गरीबों के बारे में सोचना। चल निकल यहाँ से। मगर नीलेश ने हार नहीं मानी। नीलेश शहर जाकर चंदा जमा करने लगा। इस दौरान उसकी मुलाकात सेठ जमुना प्रसाद से हुई। जमुना प्रसाद बेहद दयालु व्यक्ति थे। मुझे तुम्हारी सोच बहुत अच्छी लगी नीलेश, कि तुम एक ऐसा भोजनालय बनाकर तैयार करना चाहते हो जहाँ पर गरीब अच्छा भोजन कर सके। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। सेठ जमुना प्रसाद की मदद से नीलेश ने गांव में एक बहुत अच्छा भोजनालय तैयार करवाया। उसके भोजनालय में गुजराती, मराठी, कन्नड़ सभी तरह के भोजन तैयार होने लगे। भोजनालय बनते ही कुछ लोग भोजनालय में भोजन करने के लिए आ गए। वो सब देश के अलग अलग शहरों के रहने वाले थे। एक गुजराती नीलेश से बोला, तुम्हारा रेस्टोरेंट माती बहुत मस्त खुशबू आवे छे। आ खुशबू सूंघी ने हूँ पोतानी रोकी ना सकियो, तो हवे मने जमवा आपो। नीलेश ने उस गुजराती को एक थाली में गुजरात का सारा प्रसिद्ध भोजन परोस दिया। भोजन खाकर गुजराती खुश होते हुए नीलेश से बोला, कितना रुपया? बस एक रुपया नी आखी थाली मर से। एक रुपए का नाम सुनकर गुजराती खुश हो गया। भोजनालय में लोगों की भीड़ लगने लगी। दूर दूर के शहर के लोग नीलेश के भोजनालय में भोजन करने के लिए आने लगे। अमीर हो या गरीब, नीलेश हर किसी से एक थाली का एक रुपया ही वसूलता था। और ये बात सखा राम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। सखा राम क्रोधित होकर कुंदन से बोला, इस नीलेश ने तो मेरे भोजनालय को बंद करवा दिया है। मेरे भोजनालय में कोई कुत्ता तक नहीं भटकता। कुछ करो कुंदन। चिंता मत कीजिए सकाराम जी, मेरे पास एक उपाय है। कैसा उपाय? क्यों ना हम दोनों उसके भोजनालय में आग लगवा दें। जब दो चार लोग जलकर मर जाएंगे तो उसका भोजनालय बंद हो जाएगा। सकाराम और कुंदन उस समय नीलेश के भोजनालय में आग लगाने की योजना बना रहे थे। उसी समय सेठ जमुना दास वहाँ से गुजर रहे थे। जमुना दास ने सखाराम और कुंदन की सारी बातें सुन ली। उन्होंने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस उस दिन से नीलेश के भोजनालय पर नजर रखने लगी। रात के वक्त सखाराम और कुंदन भोजनालय में आग लगाने के लिए बहुत सारा पेट्रोल लेकर आ गए, मगर तभी पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी सखाराम, तुम तो गांव के सम्मानित व्यक्ति हो। मुझे छोड़ दीजिए इंस्पेक्टर साहब, मैं इसके भोजनालय को जलाकर राख कर दूंगा। इसकी वजह से मेरा भोजनालय बंद हो गया। नहीं सखाराम, मेरी वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारे ग्राहकों के साथ तुम्हारे बुरे व्यवहार की वजह से तुम्हारा भोजनालय बंद हुआ है। तुमने मुझे अपमानित किया। मैं चाहता तो अपने अपमान का जवाब किसी और तरीके से भी दे सकता था, लेकिन नहीं, मैं तुम्हारे अपमान का घूंट अमृत समझकर पी गया। और देखो, आज इस भोजनालय में देश का हर नागरिक आता है और सिर्फ एक रुपए में पेट भरकर भोजन करके चला जाता है। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा? मेरे परिवार का खर्चा इसी भोजनालय से चलता है। पुलिस ने सखाराम और कुंदन को गिरफ्तार कर लिया और सखाराम का भोजनालय बंद हो गया। आज भी नीलेश के भोजनालय में एक रुपए की ही थाली मिलती है। कुंतीपुर नाम का एक गांव था। वहाँ भैरव अपने पिता और अपने भाई के साथ रहता था। बचपन में ही माँ के गुजर जाने की वजह से घर की सारी देखभाल भैरव को ही करनी पड़ती थी, इसलिए वो स्थानीय रेलवे में कूली का काम किया करता था। वैसे तो भैरव पढ़ा लिखा इंजीनियर था। आज सुबह से स्टेशन पर एक भी ट्रेन नहीं आई, पता नहीं क्या हो गया है। उस दिन उड़ीसा में भी इतना बड़ा हादसा हो गया था। भगवान करे उनके परिवार में सुख शांति हो।
भैरव पूरा दिन इंतजार करके स्टेशन मास्टर के पास चला जाता है और उनसे जाकर ट्रेन न आने की वजह पूछता है। अब आप ही बताइए, अगर ऐसा चलता रहा तो हम घर कैसे चलाएंगे और खुद कैसे रहेंगे? अब मैं तुमसे क्या कहूँ भैरव, सुबह से फोन पर फोन आ रहे हैं, हमारे हाथ भी बंधे हुए हैं, हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुंतीपुर में ट्रेन आने का नाम ही नहीं ले रही थी। सारे कूली और स्टेशन मास्टर दोनों ही परेशान थे। ऐसे ही कई हफ्ते बीत चुके थे, तब भैरव और उसके साथी कूलियों ने फैसला किया। मेरा घर तो पहले से ही गिरवी है, एक तो बेरोजगारी में पहले हमने कूली का काम शुरू किया और अब ये सब। सही कहा भैरव भैया तुमने, दुनिया का बोझ हम उठाते हैं लेकिन हमारे बोझ के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। क्या बताऊं बेटा, मैं मेरी तो उम्र भी 60 की है, मेरे घर पर मेरा अपाहिज बच्चा है जिसके लिए मैं काम करता हूँ, और अगर ऐसा ही चला तो हम दोनों भूखे मर जाएंगे। हम सबको स्टेशन मास्टर के पास जाना चाहिए। सारे कूली मिलकर स्टेशन मास्टर के पास जाते हैं। वो देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन से बात कर रहा होता है। देखो, मैं तुम्हें मन चाहे पैसे देने को तैयार हूँ, लेकिन अच्छी बुलेट ट्रेन बनाएगा कौन? उड़ीसा हादसे के बाद से कोई ये जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, लेकिन आप हमारी बात तो समझिए, हमारे देश में पहले से ही इतनी तकलीफें हैं और आप है कि लोगों की समस्या अनदेखा कर रहे हैं। वो बिजनेसमैन किसी की नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। ये सारी बातें भैरव और उसके साथ ही पीछे से सुन रहे थे। और भैरव उस बिजनेसमैन यानी कि उस व्यापारी के पीछे पीछे दौड़ता है और उससे कहता है, सर 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 मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए सर, आखिर मेरी बात तो सुनिए सर, मुझे बस आपका एक मिनट चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। अगर आपका समय बर्बाद हुआ तो मैं आपको कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। हाँ कहो, तुम्हारे पास सिर्फ एक मिनट है, और अगर मेरा वक्त बर्बाद हुआ तो तुम कूलियों का ठिकाना नहीं मिलेगा। आप जिस ट्रेन की बात कर रहे हैं वो ट्रेन मैं बना सकता हूँ, मेरे पास उस ट्रेन को बनाने के लिए हर एक चीज है। ये बात मैं मान कैसे लूँ, तुम कहना क्या चाहते हो? तब भैरव अपने पास में रखा हुआ एक छोटा सा बुलेट ट्रेन उस बिजनेसमैन यानी कि व्यापारी को निकाल कर दिखाता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। तब भैरव उससे कहता है, और मैं पेशे से एक इंजीनियर भी हूँ, आप बस भरोसा करके देखिए, हम आपको ऐसे ही पूरी बुलेट ट्रेन बना कर देंगे। इम्प्रेसिव, अच्छा प्रेजेंटेशन दिया तुमने, खूब आगे जाओगे, इसलिए मैं तुम्हें ये बुलेट ट्रेन बनाने का अवसर देता हूँ। धन्यवाद आपका, मैं ये चीज हमेशा याद रखूंगा, हम कूली भाइयों पर आपका ये एहसान हमेशा रहेगा। उस व्यापारी ने पैसे रेलवे विभाग को दे दिए और सारी जिम्मेदारी भैरव के कंधों पर सौंप दी, और भैरव ने ठीक वैसा ही किया। मैं चाहता हूँ कि तुम इस पर बहुत अच्छा काम करो और अच्छी बुलेट ट्रेन बनाकर दिखाओ। भैरव और उसके साथ ही उस बुलेट ट्रेन को बनाने में लग गए। सारे कूली मजदूरों वाले काम करने लगे, सभी एक साथ मिलकर उस बुलेट ट्रेन पर काम करने लगे। देखते ही देखते उस बुलेट ट्रेन को उन्होंने पूरी